हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गुजराती ट्रेडर गेम शो। बदा मजामा, तो चलिए देख लेते हैं स्टॉक्स कौन से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले टाइम पे और हम लोग की क्या स्ट्रेटजी है। तो मैंने सुबह आप लोग को बताया था ये सपोर्ट्स हैं और ये लोग, ये आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने मिल सकता है बाय ऑन डिप्स। तो वैसे ही सेम निफ्टी ने परफॉर्म किया, डेली टाइम फ्रेम में देख लेते तो एक पोज मिला है। अगर कल यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ये तोड़ता है हाई तो हम लोग बाय करके चल सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा बहुत और डिप लगेगा फिर वापस से बाइंग मोमेंटम आएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं कौन से देख सकते हैं हम लोग और बाय कर सकते हैं ब्रेकआउट के लिए। तो यहाँ पे है गणेशा इकोस्फियर, तो इसका हम लोग पैटर्न यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो इसकी एक पैटर्न है आप लोग देख सकते हो, पॉज ब्रेकआउट। तो अभी फिलहाल ब्रेकआउट मिला है अपने को, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में गया और हम लोग फ्रेशली हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक और ब्रेकआउट आया हुआ है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो अगर आप लोग कल सुबह मॉर्निंग यहाँ पे फ्लैट कहीं पे भी ओपन होगा तो आप लोग बाय करके चल सकते हो। यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, फ्रेश एंट्री आपकी रहेगी और स्टॉप लॉस आपका कल के लो का डे लो का आप लोग का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा 1:2 मिनिमम, आपको टारगेट लेके ही चलना है जो है 1100 के आसपास का टारगेट बैठ रहा है, या मीन्स 11% के आसपास आपको मोमेंटम मिलेगा। दो दिन में टारगेट अचीव हो सकता है मेरे ख्याल से। वॉल्यूम्स देखो आप लोग, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं। तो गणेशा इकोस्फीयर फर्स्ट चार्ट होगा अपना ब्रेकआउट के लिए, और सेकेंड चार्ट हम लोग देख लेते हैं कौन सा है, अनुरस रसायन, ये इसका वीकली टाइम फ्रेम हम लोग देख लेते हैं। पहले भी हम लोग ने ब्रेकआउट ट्रेड किया हुआ था, यही मैंने स्टॉक फॉर द वीक में दिया था, बट हम लोग ने नई सीरीज चालू की है जो स्टॉक फॉर द डे और थोड़े दिन के लिए मैं देता हूँ। तो 30% मूव तो हम लोग ने कैप्चर कर लिया था। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पिछले इसने हाई तोड़ा है 1123 का और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ब्रेकआउट कैंडल भी स्ट्रांग है हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये हम लोग कंसिडरेशन कर सकते हैं। कल के दिन के हाई के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, आज के दिन के हाई के ऊपर हम लोग बाय करेंगे यहाँ पे ये लेवल्स के आसपास, और आप लोग का स्टॉप लॉस होगा ब्रेकआउट कैंडल का लो जो 6% के आसपास, और 1:2 मिनिमम रेंज कैलकुलेशन की मदद से हम लोग यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत 14-15% हम लोग रख सकते हैं, 15% रख सकते हैं, जिसका 1:2.46 होगा। तो अच्छा खासा मेरे को दिख रहा है, आपका 5% का स्टॉप लॉस है। मिनिमम 1 वीक में अचीव हो जाना चाहिए क्योंकि ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हो रहे हैं। देखिए आप लोग वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, जब से रैली दी है तब से वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे आए तो आप लोग बाय कर सकते हो और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे इस लो का डे का लो का ही रखना है। तो ये है सेकेंड स्टॉक। हम लोग थर्ड स्टॉक देख लेते हैं, MHRIL हॉलीडेज। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया मंथली यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो आप लोग मंथली क्लोजिंग के लिए अभी आज 25 है, 5 दिन रह चुके हैं अभी, सिर्फ थर्सडे को एक्सपायरी है इसकी, तो हम लोग मंथली क्लोज हमको मिल जाएगा। बट हम लोग डेली की इसके बात करें तो भी हमको अच्छा खासा देखिए वॉल्यूम स्पॉट मिला है यहाँ पे, अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया है। तो हम लोग आज के एंट्री के ऊपर बाय करके चलेंगे, कल के दिन पे हम लोग बाय पोजीशन यहाँ पे लगा देंगे इसके हाई के ऊपर, और स्टॉप लॉस हम लोग डाल देंगे ये वाला 10% के आसपास, क्योंकि मंथली यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट मिल रहा है तो उससे बेहतरीन क्या बात है। और हम लोग ने मैंने टारगेट आपको दिया ही हुआ है 515 रुपये के आसपास, बट आप लोग जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो वो 1:3 या 1:4 ले सकते हैं, 1:20% के आसपास आप लोग को रख सकते हो। 400 का टारगेट होगा आसपास, 400 के आसपास आप लोग बाय कर सकते हो, सिर्फ 1 वीक में अचीव हो सकता है मेरे ख्याल से। तो 10% का स्टॉप लॉस यहाँ पे, और यहाँ पे एक आप ब्रेक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो तो देखिए परफेक्ट अप ट्रेंड में अभी, तो ये मेरे लिए बाय बन रहा है इसके हाई के ऊपर, आप एंट्री फ्रेश एंट्री ले सकते हो। तो दूसरा है भारत वायर रोप्स, जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं तो फ्रेश ब्रेकआउट्स पे है ये भी खड़ा है। अगर हम लोग इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो समवेयर अबाउट 165 से 155 तक रेजिस्टेंस है इसको, और वॉल्यूम्स की बात करें देखिए बहुत अभी ब्रेकआउट टाइम से वॉल्यूम आने शुरू हो चुके हैं इसमें, तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा बाइंग के लिए, और अगर आप लोग देख सकते हो तो आज के दिन के हाई का हाई क्रॉस करेगा, कल के दिन पे हम लोग बाय कर लेंगे यहाँ पे फ्रेश एंट्री, और इसका स्टॉप लॉस हम लोग ये दे देंगे 15% के आसपास स्टॉप लॉस। बट हम लोग अगर बात करें रेंज कैलकुलेशन की मदद से
तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा शॉर्ट टर्म के लिए 68% के आसपास, मीन्स 100 पॉइंट यहाँ से काउंट कर सकते हो, 269 270 के आसपास आप लोग फर्स्ट टारगेट आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा ट्रेड कॉन्ट्रा ट्रेड है अपने लिए, अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। वॉल्यूम्स की बात करें तो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स हैं, 15% आपको स्टॉप लॉस देना है, 261 के आसपास का टारगेट है। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। इसको थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि वीकली में ब्रेकआउट है, 54% अपने को मूव चाहिए, 10-20% के लिए तो 1-2 दिन में हो सकता है। इसमें पॉसिबिलिटी है वायर भारत वायर रोप्स में, बट 50% के लिए मेरे मिनिमम 1 मंथ के लिए आप लोग देख सकते हो, बट सामने अपने को 54% अपने को मिल रहा है, तो अच्छा खासा दिख रहा है भारत वायर रोप्स। तो ये थे मेरे स्टॉक्स, थोड़े बहुत अच्छे खासे मेरे को जो लगे ब्रेकआउट दे रहे हैं फ्रेश, और न्यू हाइज अपना बनाने के लिए रेडी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मेरी सीरीज़ है, अभी डेली स्टॉक्स आएंगे, कौन से बाय करने चाहिए और कौन से नहीं अभी, और हर सैटरडे को आपको मालूम ही अपने आते हैं चार्ट फॉर द वीक, जिसमें हम लोग वीकली फ्रेश ब्रेकआउट्स आते हैं ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो वही सीरीज चालू रहेगी। तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।